अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके मेनली दो कैंपसेस के बारे में। टोटल इसके तीन कैंपसेस हैं, लंदन में, ग्लासगो में और न्यूयॉर्क में। अभी हम बात करेंगे जो इंग्लैंड बेस्ड, स्कॉटलैंड बेस्ड कैंपसेज हैं जो लंदन में है और जो ग्लासगो में है। एक ही इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्लासगो कैंपस की भी, लंदन कैंपस की भी। पेमेंट प्लान भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है कि मेन कैंपसेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे अर्सर की आपको पता है कि 2,000 पाउंड है मेन कैंपस की, लेकिन लंदन और बर्मिंघम कैंपस में 6,500 लेते हैं। इसी तरह सन्डरलैंड में कम है, लेकिन मेन कैंपस में आपको 6,500 लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका लंदन कैंपस का पेमेंट प्लान या अदर कैंपसेज का पेमेंट प्लान डिफरेंट होता है और मेन कैंपस का पेमेंट प्लान डिफरेंट होता है। इसका ऐसा नहीं है, तमाम तरह एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, पेमेंट प्लान भी सेम है और उसके अलावा रैंकिंग तो ऑब्वियसली आपको मिलती ही मेन कैंपस के हिसाब से है। सो इस सब बारे में बात करेंगे। इंग्लिश रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस डिटेल में, पूरी वीडियो में आपको इस बारे में ब्रीफ करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका पेमेंट प्लान होता है जो ऑब्वियसली सब लोग इसी को लेकर यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, किसी के पास भी इतने पैसे तो नहीं होते कि वो बगैर देखे बगैर जांचे उसको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले। यूनिवर्सिटी की बेसिकली फीस है 14,500 और उसमें आपको 2,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके अलावा भी स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम भी है जिसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको अप्लाई करने के बाद आप उसके पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है वो 2,000 पाउंड है जो आपको मिलती है। देन रिमेनिंग फीस आपकी रह जाती है 12,500 एंड दैट अप्लाइज ऑन लंदन एंड मेन कैंपस जो ग्लासगो कैंपस है उस पर। अच्छा, फिर आपने उसमें 4,000 पाउंड आपको इनिशियल देना पड़ेगा। पहले 3,500 था, अब उन्होंने 4,000 कर दिया है। अभी भी इतना नहीं बढ़ाया जितना बाकी यूनिवर्सिटीज ने बढ़ा दिया है सितंबर 23 के लिए। उसमें यह है कि आपको अगेन आपको जो 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको मिलती हैं, 8 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लाइक अगर आपकी 12,500 फीस है और आपने 4,000 जमा करा दिए तो दैट रिमेनिंग 8,500 वो आपने 8 किस्तों में अदा करनी है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1,000 पाउंड पर मंथ, आई थिंक दैट इज़ फीजिबल, दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि जो स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए ईजी है कि 4,000 पाउंड अपने अकाउंट में रखें और बाकी जो आसान एक साथ में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें उसको पे कर सके। उसके अलावा आपको 5% डिस्काउंट मिलता है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट पे। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है अर्ली पेमेंट के साथ कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बिजी है, क्योंकि वो मैं आगे चलता हूँ कि बिजी की रीज़न क्या है, लेकिन बिजी काफ़ी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो फुल फीस जो पेमेंट है उस पर 5% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप फुल फीस इन एडवांस करते हैं तो आपको 5% वेव ऑफ मिलेगा, जो कि अगेन बहुत अच्छी ऑफर है। लेकिन जो अर्ली बर्ड वाली बात है वो चूँकि यूनिवर्सिटी बहुत बिजी है, आपको रिप्लाई नहीं, अगर आप सेप्टेम्बर इन टेक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको वेल बिफोर द टाइम, आपको जनवरी फरवरी में कहीं अप्लाई करेंगे तो जाके आपका कहीं नाम आएगा कोर्स में, आप जाके आपको ऑफर लेटर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। मैं आपको बताऊँ कि यूनिवर्सिटी इस हिसाब से बहुत बेहतरीन है कि आपको 60% पर ही आपको एडमिशन देती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, और इंडियन स्टूडेंट्स का भी सेम है, ऑलमोस्ट उनकी सेम ही है। जितनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एंट्री रिक्वायरमेंट है वही इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 60% आपको 12th स्टैंडर्ड में चाहिए, इंटरमीडिएट में चाहिए, साइंसिस के कोर्सेज में। अगर आपके 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा अगर आप बैचलर में, आपका 2 ईयर्स बैचलर था तो आपको तब भी 60% चाहिए। पाकिस्तान में है 2 ईयर्स है, इंडिया में बहुत कम आप 2 ईयर्स रह गए, बहुत सारे लोगों का अब 3 ईयर्स ही होता है और या 4 ईयर्स होता है। अच्छा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में जाना है तो आपको कम अज़ कम 50% एंट्री रिक्वायरमेंट है, 50% फॉर द पीपल हु हैव गॉट द 4 ईयर्स डिग्री इन पाकिस्तान एंड 3 ईयर्स डिग्री इन इंडिया। अभी अगर बात करें इंग्लिश एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो जो इंडियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 70% अगर लिए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में और ओवरऑल भी 70% लिए हैं तो वो MOIN का एक्सेप्ट होगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी MOIN एक्सेप्टेबल है, लेकिन है कि वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं विद 4 ईयर्स बैचलर डिग्री तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स में वहाँ से डिग्री की है पाकिस्तान से, अदरवाइज आपका MOIN एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट आईलेट्स की वो बहुत कम है, दैट इज 6.0 विद 5.5। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं जो इस 6.0 विद 5.5 पे मास्टर्स लेवल तक के स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करती हैं, और सेम इज़ द क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। अब थोड़ी सी क्या कहते हैं डाउन साइड ये है कि अब इन्होंने टेस्ट बहुत लिमिटेड कर दिए हैं। पासपोर्ट टेस्ट ये पहले एक्सेप्ट करते थे जनवरी तक, लेकिन अब इन्होंने पासपोर्ट टेस्ट को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ आईलेट्स, पीएसएन, ट्रिनिटी
और देर इज़ वन अदर टेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये चार टेस्ट ही एक्सेप्टेबल होंगे और कोई किसी किस्म का टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ स्टूडेंट सप्लाई ही इसीलिए करते हैं, एक तो इनका बड़ा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, दूसरा ये कि इनकी जो MII पे एक्सेप्टेंस है उसकी वजह से जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि अप्लाई वेल बिफोर द टाइम। मैं आपको बताऊँ मई में अप्लाई किए स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, सो मेक श्योर कि अगर आप सेप्टेम्बर के अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे पहले कहीं अप्लाई करें, और अगर आप जनवरी के लिए करें तो मेक श्योर यू अप्लाई बिफोर जून और मई, यानी आप इससे पहले अप्लाई करेंगे तो आपको दिसंबर तक आपको ऑफर लेटर मिलेगा, या जो आपको नवंबर तक ऑफर लेटर मिलेगा। सो मेक श्योर आई एम अगेन सेइंग अगेन 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 कि अप्लाई वेल बिफोर टाइम, अदरवाइज आप किसी और ऑप्शन को देख लें। बहुत सारे लोग इसको रैंकिंग को लेकर कंसर्न होते हैं, रैंकिंग का जो एक सबसे अच्छा इदारा है दैट इज़ QS वर्ल्ड रैंकिंग, उनकी 2023 की जो रैंकिंग है उसमें ये 1000 to 1200 के दरमियान फॉल करती है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। उसके अलावा लोकेशन के बारे में लोग कंसर्न होते हैं, लंदन में भी इसकी वेरी आइडियल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, सेम इज़ द केस विद द क्लास्को। क्लास्को में भी इनकी वेरी आइडियल सेंट्रल लोकेशन है जो आपको वेरी बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ऐसा नहीं है किसी फार ऑफ एरिया में, इस तरह के मेनली कैंपस जो मेन कैंपस होते हैं वो फार ऑफ एरियाज में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकेशन को ऐसे आपको ना लंदन में ना ग्लास्को में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो ये थी व्यूअर्स वीडियो ग्लास्को कैलिडोनिया के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।